हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने सामने खड़ी है सुजुकी एक्सेस 125 का राइड कनेक्ट एडिशन। और आज हम इसके सारे वेरिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी खरीदने का सोच रहे हैं ये वाला स्कूटर, तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा मॉडल जो है इसका वो परचेस करना चाहिए और कौन सा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो ये तीन वेरिएंट्स में आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि सबसे पहला स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है, दूसरा आपको स्पेशल एडिशन मिल जाता है, और तीसरा आता है राइड कनेक्ट एडिशन, जो कि यहाँ पर हमारे सामने खड़ा हुआ है। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लेते हैं राइड कनेक्ट एडिशन तो क्या क्या उसके अंदर आपको मिलने वाला है, या फिर आप उससे नीचे का वेरियंट लेने जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिस होने वाली हैं, तो कितना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा इसको खरीदना, या फिर इससे नीचे वाला वेरियंट, या फिर सबसे नीचे वाला वेरियंट, तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कलर की। तो कलर जो है आपके राइड कनेक्ट एडिशन में आपको जो है मैट कलर ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप ब्लू कलर लेने वाले हैं तो इसमें आपको मैट मिलेगा। इसको मैंने ग्लॉसी करवाया हुआ है, इसके ऊपर ग्लॉसी लेमिनेशन करवा के, उसकी वीडियो मैंने पहले से चैनल पर डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी जो इससे नीचे वाला वेरियंट आप देखेंगे स्पेशल एडिशन, उसमें आपको ग्लॉसी ब्लू जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप इस वाले वेरियंट को लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको ग्लॉसी में ग्रे कलर जो है वो मिल जाएगा। गाइस, अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस में कुछ ज्यादा अंतर आता नहीं है। हालांकि स्पेशल एडिशन और राइड कनेक्ट एडिशन के बीच में 5,000 रुपए का फर्क आ जाता है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड और स्पेशल के बीच में देखेंगे तो मुश्किल से 2,000 या 3,000 रुपए का फर्क आएगा। उसमें मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या चीज चेंज होने के लिए मिलेगी। तो अगर आप लेने जाते हैं इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट, तो वहाँ पर आपको जो है ये एलॉय व्हील जो है वो भी नहीं मिलेगा, और ना ही आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। हालांकि डिस्क ब्रेक से आपको राइड करने में बहुत ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ भी आपकी ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे साइज का आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, और उसके साथ ही आपको ब्लैक एलॉय व्हील जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप खरीदेंगे इसका स्टैंडर्ड, तो उसके अंदर भाई ये आपको सिल्वर रिम मिलने वाला है, खाली आपको वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो अगर बात करें इसकी, तो ये वाले जो एलॉय व्हील हैं ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, इनसे लुक जो है आपकी स्कूटी का काफ़ी इन्हेंस होता है। और ये वाला जो कंसोल मीटर है ये आपको सिर्फ राइड कनेक्ट एडिशन में मिलने वाला है, बाकी इससे पहले वाले स्टैंडर्ड और स्पेशल में आपको सिर्फ एनालॉग मीटर देखने के लिए मिलेगा, और उसके अंदर भी अच्छी खासी कलरफुल लाइट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सेम एज इट इज़ मिल जाती हैं। थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है कि आपको स्टैंडर्ड में अलग कलर देखने के लिए मिलेंगे, और जो आपका राइड कनेक्ट एडिशन है उसमें आपको थोड़े कलर जो है वो मैट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि अगर आप बड़ा वेरियंट लेते हैं यानी कि राइड कनेक्ट एडिशन, तो उसमें आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ क्या क्या ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने पहले से चैनल पर डाली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। अब बात करते हैं कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट जो है इसका रहने वाला है। गाइस, इसको यूज करते हुए लगभग 3 महीने मुझे हो चुके हैं, और इसको तकरीबन 2000 के आसपास मैं चला चुका हूं। इसके बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो बोलता है कि आप अगर जा रहे हैं इसका स्टैंडर्ड एडिशन खरीदने के लिए, तो भाई उसको रहने देना, 2,000-3,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आपको ले लेना है स्पेशल एडिशन। उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, एलॉय व्हील मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छा लुक जो है वो आता है एलॉय व्हील से। वो जो सिल्वर वाले प्लेट वाले वो जो रिम होते हैं वो बहुत ही भद्दे लगते हैं, और उसके अंदर जो है ना मतलब एक लुक जो है ख़राब हो जाती है पूरी तरह से। और अगर आप स्पेशल एडिशन लेने के लिए जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं राइड कनेक्ट एडिशन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें आपको 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और उस 5,000 रुपये में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाली जो डिस्प्ले है वो मिल जाएगी। और भाई ये वाली जो डिस्प्ले है कोई इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं है जिससे कि आप शो ऑफ कर पाएँ कि हाँ भी हमने कुछ एक अच्छी चीज़ ली है। मैंने ये राइड कनेक्ट एडिशन जो है ब्लूटूथ की वजह से लिया था कि ब्लूटूथ से अपना जो है इसके ऊपर टर्न बाय टर्न इंडिकेशन जो है वो देख सकते हैं, लेकिन भाई वो चीज़ इतनी काम की है नहीं कि इसमें 5,000 रुपये आप खर्च कर सकें।
तो अगर आपके पास में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बजट आपका बहुत बढ़िया है, आपके पास अच्छी खासी रकम है, तो ही आप ये 5,000 रुपये खर्च करना। लेकिन अगर आप मेरी तरह जो है जोड़ जोड़ के, जैसे मैंने एक एक पैसा जोड़ के ये वाली स्कूटी खरीदी है अपने काम के लिए या फिर अपने शौक के लिए, तो आपको सोचना पड़ सकता है भाई। क्योंकि मैंने लेने के बाद में मुझे पता चला कि जो चीज़ मैंने ये खरीदी है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मान लो इसके अंदर मैप यूज़ करते हो, तो आपको फ़ोन के अंदर मैप लगा के यहाँ पर सिर्फ आपको टर्न दिखाएगा कि इधर को आपको मुड़ना है, यहाँ पे आपको मुड़ना है। तो इस तरह का जो आप देखो ओला की तरह, जैसे ओला के S1 में आता है कि उसके अंदर पूरा मैप चलता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, मैंने एक बार मैं दिल्ली से अपने हापुड़ आ रहा था, तो मैंने वो मैप लगा दिया, उसके बाद में भाई वो मुझे उल्टा सीधा बता रहा है, जबकि वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ से घर तक का रास्ता मुझे अच्छे से पता था, इस वजह से मैं बिना किसी दिक्कत के घर पहुँच गया। लेकिन मैं यहाँ पर उसको देख देख के बार बार हंस रहा था, क्योंकि जाना मुझे इधर था और वो इधर बता रहा था। अब पता नहीं ये कौन सा रूट पकड़ता है, मुझे इससे क्या ही मतलब है, लेकिन जो सबसे सीधा रूट है मैं तो उसी से आता जाता हूँ। तो भाई वो चीज़ मुझे इतनी काम की लगी नहीं है। हालाँकि अगर आपको सिर्फ एक शो के लिए लेना है, यार आपके पास पैसों की कमी नहीं है, 5,000 रुपए आपके लिए कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। वरना अगर मुझे पहले पता होता या इस तरह की कोई वीडियो मैंने पहले देख ली होती YouTube पे, जैसी वीडियो ये आज मैं बना रहा हूं, तो मैं पहले इसको कभी नहीं लेता। और वो एनालॉग वाला जो मीटर आता है वो भी काफी अच्छा लगता है, उसके अंदर एक लाइट दी गई है, ब्लू कलर की लाइट आती है, पिंक कलर की लाइट होती है, और जब वो जलती है ना भाई बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये जो है इसके अंदर ना कोई लाइट है ना कुछ है, ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको कंसोल यहाँ पर मिल जाता है, तो इसकी इतनी कोई खास अच्छा ये लगता नहीं है। तो मुझे तो ये 5,000 रुपये खर्च करना फिजूल ही लगा। हालांकि आपको तीनों ही स्कूटर में पावर जो है वो सब कुछ सेम मिलने वाली है, सब कुछ एकदम सेम होगा, सिर्फ आपको कलर्स के चेंजेस होंगे, या फिर अगर आपने सेकंड वेरिएंट लोगे तो आपको एलॉय व्हील का चेंज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और राइट कनेक्ट एडिशन में आपको सिर्फ मीटर का चेंज जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम होता है। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास में राइट कनेक्ट एडिशन है, फिर भी उन्होंने मैप लगाने के लिए यहाँ पर वो लगा के चलते हैं अपना मोबाइल होल्डर, और वो अपने फ़ोन से मैप देख के चलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा नहीं है। एक दिन किसी दिन मैं अगर मोटो व्लॉगिंग करूँगा तब आपको दिखाऊंगा कि ये कितना गलत काम करता है। तो गाइज मेरा 3 महीने के एक्सपीरियंस के बाद में यही ओपिनियन था इसके तीनों वेरियंट्स के लिए। तो आपका माइंड जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा इसका वेरियंट जो है वो बाय करना है। अब ख़रीदारी का टाइम है, तो आप भी जल्दी से जाके खरीदें। और बात करें इसके राइडिंग कंफर्ट वगैरह की, ये कैसे ये चलता है, तो भाई इससे स्मूथ स्कूटर मुझे अभी तक नहीं लगा है। मैंने एक्टिवा भी चलाया है, मैंने इसको भी चलाया है, मैंने जुपिटर भी चला रखा है, लेकिन भाई जो मज़ा इसके अंदर आता है ना, जो कॉन्फिडेंस आपको इसके ऊपर बैठ के सवारी करने में मिलता है, वो कॉन्फिडेंस आपको किसी स्कूटी में नहीं मिलता है। इसके ऊपर बैठ के आप लगता है कि किसी पावरफुल मशीन को आप राइड कर रहे हैं। तो मुझे तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा ये स्कूटर, या आपको अगर आपके पास है तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह का कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।